अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे। देखिए हमने रेशनल नंबर का एडिशन क्या किया है, क्या हमने कहा किया कि इसको इजी के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि उसके डिनोमिनेटर के बेस पे, कि अगर जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तो वैसे रेशनल नंबर कैसे ऐड करेंगे, और जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस है, इफ द टू रेशनल नंबर्स आर टू बी एडेड वी शुड कन्वर्ट ईच ऑफ देम इनटू द रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। देखिए सबसे पहले जो भी रेशनल नंबर देगा तो उसको हम सब पहले से जानते हैं कि रेशनल नंबर होगा उसको ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना, कुछ भी करना हो, उसके कंपेयर करनी हो तो उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट है कि व्हेन द गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, फर्स्ट केस है कि अगर जो है डिनोमिनेटर जो है सेम हो तब कैसे करेंगे। जैसे a बाई बी है और c बाई a बाई बी और c बाई बी है, इस दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी b है इसका भी b है, तो हम क्या करेंगे उसके डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे और उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। जैसे हम इसको एग्जांपल के समझते हैं, जैसे मैं एक 7/9 है दूसरा -11/9 है, तो यहां देख रहे हैं कि दोनों रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की 9 है, तो हम कुछ नहीं करें 9 को एज इट इज लिख देंगे और इसके न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लेंगे, कितना हो गया। तो जब भी हम जानते हैं जब भी दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं बड़े में छोटे को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 11 में 7 गया 4/9। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी देखना है कि दोनों बड़ा कौन 11, तो 11 पे कौन साइन है माइनस, तो माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ये अपना आंसर गया -4/9। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो 8/-11 हो गया और दूसरा हो गया 3/11। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव क्या करके करते हैं -1 से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है माइनस जो होता है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, तो हम क्यों उतना कर रहे हैं चलें, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं, तो -8/11 लिख दिया और 3/11 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड करें -8+3। तो यहां देखिए दो अपोजिट इंटीजर का ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करेंगे, 8 में 3 गया 5, तो इस बड़ा कौन 8 पे कौन सा है माइनस, -5/11 हो गया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कह रहा है कि व्हेन द डिनोमिनेटर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर अनइक्वल, अगर जो है उसके डिनोमिनेटर्स होता है इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन दिस केस वी टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विद दिस एलसीएम एज अ कॉमन डिनोमिनेटर, नाउ वी एड दिस नंबर्स एज सोन 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 एवो। तो देखिए तो क्या होता है, अगर हमें क्या होता है दो ऐसे रेशनल नंबर या दो से अधिक रेशनल नंबर का एड करनी हो और उसके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले उसकी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो सेम भाई करेंगे कैसे, तो उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसके इक्वल कर देंगे, जैसे ही उसके इक्वल करेंगे दोनों रेशनल नंबर या दो से अधिक रेशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सिंपली उसके न्यूमरेटर को ऐड कर डालेंगे, समझ गए। तो देखिए जैसे -5/6 है और एक 4/9 है, तो अब देखेंगे कि -5/6 और 4/9 जो रेशनल नंबर है दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 6 है दूसरे का 9 है, तो हम क्या करेंगे 6 एंड 9 का जो है एलसीएम लेंगे, तो 3 से 3 6 3 का 9, तो 3 6 6 18, इसके एलसीएम आ गया 18 आ गया, तो हम दोनों को 18 करेंगे, तो -5/6 को 18 करने के लिए क्या करें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से, अगर नहीं समझ में 18 से 3 से कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करें 18 को 6 से डिवाइड कर दो, 3 अपने आप क्वोशेंट आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सारा स्टेप है, तो -15/18 आ गया, उसके बाद 4/9 हो गया, तो इस 9 जो है तो 9 को 18 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, 8/18 आ गया, तो अब देखेंगे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इसके डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 15+8, तो 15 में से 8 गया 7/18, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा कौन बड़ा है 15, तो इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए इसको एक और तरीके से इसको ऐड करते हैं वो भी बता दे रहा हूं, जैसे -9/16 है और एक 5/12 है, ठीक है दो रेशनल नंबर है और दोनों रेशनल में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं इसको डिनोमिनेटर सेम करते हैं,
तो इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, ये 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो कितना हो गया, तो 2 दिन 4, 4 चुका 16 हो गया ना, और 16 3 48, ठीक है 48 आ गया। तो हम इसके एलसीएम को 48 करेंगे। देखिए एक और स्टेप बता, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर को 48 लिख देंगे, ठीक है। अब इस 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितना बार कैंसिल हो गया, 3 बार में। अब इस 3 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, ऐसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेप बता दे रहा हूं, दोनों तरीका। अब 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में, बार चुका 48, 4 बार में कैंसिल हो गया। अब उस 4 जो कोशेंट आएगा उससे इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 5 होगा 20। तो देखिए, तो अब क्या हो गया, तो कितना हो गया 7/48, बड़ा कौन सा 27, इस पर साइन किया माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, आ गया, दोनों स्टेप बता दिया। तो अगर आप वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।